8 अप्रैल 2024 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सूरज ग्रहण शुरू हुआ, जो 9 अप्रैल 2024 को सुबह 2:22 तक रहा। इस सोलर एक्लिप्स पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और करोड़ों लोग इस इवेंट को अपने टेलीस्कोप और अपने कैमरों से रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि इस इवेंट को आप आसानी से जमीन से देख सकते हैं। ब्लिक नामी एक आदमी जब अपने टेलीस्कोप से इस इवेंट को देख रहा था तो उसने सूरज के करीब एक चीज देखी। इस तस्वीर को देखें, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सोलर एक्लिप्स शुरू हो चुका था। ये चांद है जो सूरज के सामने आ रहा है और ये वो चीज है जिसे ब्लिक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो सूरज के बिल्कुल सामने है। इसने ऐसी चीज आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो हैरान था कि आखिर ये चीज क्या है। जब उसने इस चीज को दोबारा से देखने की कोशिश की तो वो चीज गायब हो गई। इस चीज को बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट से आसानी से जमीन से देखा जा सकता था। ब्लिक ने उस चीज की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके पास सोलर ऑर्बिटर टेलीस्कोप से भी इस चीज को देखा गया। इस टेलीस्कोप का मकसद सूरज पर बनने वाले स्पॉट्स और सोलर फ्लेयर को स्टडी करना था। 2024 में लगने वाला सोलर एक्लिप्स एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स था, जिसमें चांद सूरज के सामने पूरी तरह से आ जाता है। इस सोलर एक्लिप्स को हम पाकिस्तान में नहीं देख सके, क्योंकि जब यह सोलर एक्लिप्स शुरू हुआ तो पाकिस्तान में रात हो चुकी थी। इसका असर नॉर्थ अमेरिका की 15 स्टेट पर देखा गया, जिसमें करोड़ों लोगों ने इस इवेंट को लाइव देखा। आप भी इस इवेंट की कुछ वीडियो को देखें। ये पहली बार था जब साइंसदानों ने सोलर एक्लिप्स के दौरान इस चीज को देखा। कुछ लोगों का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड है जो सोलर एक्लिप्स के दौरान सूरज के सामने आ गया, लेकिन किसी को भी सही से पता नहीं चल सका कि ये चीज क्या है। सोलर एक्लिप्स में पहले चांद जमीन और सूरज के सेंटर में आता है, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है। चांद को सूरज के सामने आने में कई घंटे लगे और फिर सूरज के सामने से हटने में कई घंटे लगे। ये चांद के सूरज के सामने आने की वीडियो है और ये उस वक्त की वीडियो है जब चांद पूरी तरह से सूरज के सामने आ गया, जिसमें हमें सूरज बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसमें आप इस रोशनी को देखें जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। असल में ये सूरज की कोरोना है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स के दौरान आसानी से देख सकते हैं। इस कोरोना का टेम्परेचर करोड़ों डिग्री होता है। इसी कोरोना से सोलर विंड सूरज से निकलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और ये हमारी जमीन से भी टकराती हैं, लेकिन जमीन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इस सोलर विंड से बच जाते हैं। लेकिन जब सोलर विंड्स की रफ्तार ज्यादा होती है तो ये विंड्स हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से जोर से टकराती हैं, जिससे जमीन के मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसी दौरान कुछ सोलर विंड्स कमजोर मैग्नेटिक फील्ड वाले हिस्से से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे आसमान का कलर चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमें आसमान कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसे ऑरोरास कहते हैं। इसके अलावा ये सोलर विंड्स सैटेलाइट से टकरा कर उन्हें डैमेज करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साइंसदान इन सोलर विंड्स की स्पीड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक इनकी स्पीड कम या ज्यादा कैसे हो जाती है। सोलर एक्लिप्स की वजह से हम कायनात में सितारों को फाइंड करते हैं, जैसे चांद सूरज के सामने आया और इसकी रोशनी ब्लॉक हो गई, जिसे हमें पता चला कि चांद सूरज के सामने आ चुका है। इसी तरह कायनात में बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। जब कोई सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो उसकी रोशनी ब्लॉक हो जाती है, जिससे साइंसदानों को पता चल जाता है कि उस स्टार के किर्द कोई सितारा ऑर्बिट कर रहा है। फिर साइंसदान उस सितारे के एटमॉस्फेयर, उसके साइज
और उसके हैबिटेबल जोन को स्टडी करते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो सियार अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्या उस सियारे पर लाइफ मौजूद है या नहीं। आप इसकी कंप्लीट वीडियो को देखें। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।